यशोदा, ओम तो बाहर। राकेश, आप ओम को ढूंढें। ओम यहाँ, यहाँ मेरे पास है भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। दरअसल ओम को देखकर रहा नहीं गया, इसलिए मैं उसे अपने पास उठा रही हूँ भैया। भैया, दरअसल भाभी, भाभी रसोई में थी और ओम यहाँ बिल्कुल अकेला था। राकेश, मैं जब मैंने सोचा ओम को दूध पिलाने का वक्त हो गया, इसलिए अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो ईश्वर, मिस्टर सावत, कुछ पता चला आपको मालनी का? देख, एक मिनट मिस्टर सावत, मेरी बात सुनिए प्लीज। लोनावाला से लेके नासिक तक आप हर चेक पोस्ट को चेक कीजिए, मालनी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। शी मस्ट बी समवेयर अराउंड दिस प्लेस। प्लीज प्लीज, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ, प्लीज। हेलो सर। हाँ, कहाँ है मालनी? कुछ फोन पड़ा आपको? सर थोड़ी प्रॉब्लम है। ओह गॉड, फिर से प्रॉब्लम! आप हर बार मेरे सामने प्रॉब्लम क्यों लेके आते हैं? क्या प्रॉब्लम है क्या? आप मेरे सामने आते हैं, आप कहते हैं मुझे वक्त चाहिए, आपको वक्त देता हूं, आप जो आधी खबर आपको मैं ला कर देता हूं, फिर भी Why don't you understand? वो हमारा इलाका नहीं है और हमें भी किसी की मदद लेनी पड़ती है सर। और मालिक के खिलाफ कोई खून या चोरी का इल्जाम नहीं है और हमारे पास कोई खिलाफ कोई वारंट भी नहीं है, क्यों नहीं समझते आप? हमें भी ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं सर, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द उन्हें आज नहीं तो कल ढूंढ निकालेंगे सर। ठीक है, देखिए आप प्लीज़ कोशिश जारी रखिए। प्राइवेट डिटेक्टिव्स, इन्फॉर्मर्स, जो कोई भी हो उन्हें काम पर लगा दीजिए। मुझे माननी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आई एम डूइंग माय बेस्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर। इंदु, तुम्हारी बात मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे बेटों के झगड़ों में मेरे बेटी का हिस्सा मारा जाएगा। पहले तो मैं भी अंदर से ये बंटवारा नहीं चाहती थी, लेकिन जब से इंदर गया है तब से मैं जयंती के हिस्से के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ। भाभी, जयंती इस घर की बेटी है और वो हमेशा रहेगी। बंटवारे के बाद उसे अगर उसका हिस्सा मिल भी जाए तो क्या वो और अकेली नहीं हो जाएगी? अकेलेपन से तो आदमी लड़ सकता है इंदु, लेकिन अगर उसको रोज की जरूरतों के लिए बार बार किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े तो उसका तो आत्मसम्मान ही मर जाएगा। बुआ जी, इस घर के किसी भी सदस्य का आत्मसम्मान इस घर के सम्मान से बड़ा नहीं है ना? ए लड़की, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जाओ यहां से। माँ जी, आपके लिए दवाई लाए हैं, तेल लाए हैं मालिश के लिए। नहीं करना है मुझे तुम्हारा इलाज, ले जाओ तुम्हारी दवाइयाँ और तुम्हारा मलहम, जाओ यहाँ से। माँ जी, अगर दवाई नहीं लगाई तो आपके पैरों पर असर पड़ेगा। भाभी, लगाने दीजिए ना, आप इतना तो मानते हैं ना कि जब से रिमझिम ने आपका इलाज शुरू किया है आपके पैरों में काफी सुधार आ गया है। चल बेटा, लगा ले। तो मैं सोचती हूं कि शायद ये बंटवारा ही इस घर में सुख शांति वापस लाए। माँ जी, जहां पर भी बंटवारा हुआ है सुख शांति कभी नहीं लौटी है। ये जरूरी नहीं है लड़की कि जो तुम सोचती हो, जो तुम करना चाहती हो वो सही हो। कभी जयंती के बारे में सोचा है तुमने? माँ जी, तब तो बाबूजी को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, आपकी भी चिंता करनी चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम? माँ जी, अगर आप जयंती दीदी की चिंता कर रही हैं
तब तो प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होने चाहिए ना। ये क्या कह रही तू बेटा? बुआ जी, अगर जयंती दीदी के साथ ऐसा हो सकता है तब तो किसी के साथ भी हो सकता है। बाबूजी ने अपने लिए भी तो कुछ नहीं छोड़ा। वो अपने लिए क्यों सोचेंगे? मेरे बेटे हैं और मैं उनकी माँ हूँ, वैसे कभी नहीं करेंगे। माँ जी, जब माँ के रिश्ते से आप उन पर विश्वास कर सकती हैं तो वो अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्या मतलब? माँ जी, ये बंटवारा बेमाने, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो तुम यहां से जा सकती हो, जाओ। भाभी, क्या सोचने लगी आप? नहीं, कुछ नहीं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? देखिए मिसेस शर्मा, जब तक चारों पार्टियां सामने नहीं होंगी तब तक बंटवारा नहीं हो सकता। इनफैक्ट पांचों पार्टियां, क्योंकि आपके फादर भी पांचवी पार्टी हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्हें प्रॉपर्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, ये सब वर्बल बातें हैं। अगर उन्हें हिस्सा नहीं चाहिए तो ये बात भी उन्हें लिख कर देनी होगी। हम नहीं जानते कि अविनाश कहाँ है। तो जाइए, उसे खोजिए, और नहीं तो उसके लौट के आने तक उसका इंतजार कीजिए। There is no any other option. वकील साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अविनाश एक फरार मुजरिम है। जब पुलिस नहीं उसे ढूंढ पाई तो हम कैसे ढूंढेंगे उसे? देखिए, पुलिस आमतौर पर उसी केस में इंटरेस्ट दिखाती है जहां पर सेकंड पार्टी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है। मतलब? मतलब मैंने इस केस के बारे में मालूम किया है। पुलिस इस केस की फाइल लगभग बंद कर चुकी है और सेकंड पार्टी ने भी कोई स्टेप नहीं लिया। आप जाइए और केस रीओपन करवाइए। जहां जहां अविनाश हो सकता है आप उन जगहों को तलाश कीजिए। हो सकता है कि आपके घर के किसी मेंबर को पता हो कि वो कहां है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मिस्टर शर्मा? हो सकता है कि अविनाश की वाइफ को मालूम हो कि वो कहां है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अविनाश को ढूंढिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। दुर्गा शंकर जी, आपकी सारी खबर मैं जानती हूँ। आप यही कहने आए हैं ना कि इंदर जबलपुर गया है और वो और जयंती एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं? नहीं नहीं सोनिया जी, वो क्या दुर्गा शंकर जी, मैं खुद जबलपुर गई थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस अब आप देखते जाइए कि मैं इंदर को उस जयंती के चंगुल से किस तरह छुड़ाती हूं। क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? अब आपको कैसे बताएं सोनिया जी के इंदर इंदर क्या हुआ? इंदर को क्या हुआ? इंदर को सोनिया जी, इंदर बाबू का एक्सीडेंट हो गया। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सोनिया जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं दुर्गा शंकर जी। इंदर ऐसा नहीं हो सकता, इंदर मर नहीं सकता। कैसे बातें कर रहे हैं आप? नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ।
शांत हो जाइए सोनिया जी, धीरज रखिए। सोनिया जी, इंदर बाबू की मौत के जिम्मेदार जयंती और उसके परिवार वाले हैं क्या नाम से, उन्होंने इंदर बाबू को इतना परेशान किया कि वो शहर छोड़कर जबलपुर चले गए। और वहां पर बेचारे इंदर बाबू का एक्सीडेंट हो गया। सोनिया जी, इंदर बाबू की मौत के जिम्मेदार शर्मा परिवार के लोग हैं। शर्मा परिवार के लोग। राकेश, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। यशोदा, शेयर में मुझे 5 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दुर्गा चाचा को अपने पास मत आने दीजिए, देख लिया ना उसका नतीजा। कैसी बातें कर रही हो तुम यशोदा, दुर्गा चाचा ने ही 2 करोड़ का फायदा करवाया था, ये बात भूल गई तुम? यही तो उनकी चाल है राकेश, पहले फायदा दिखाकर अब नुकसान करा दिया ना। यशोदा चुप हो जाओ प्लीज, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत टेंस है, इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग और खराब मत करो। यशोदा, आई एम सॉरी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इसलिए मैं। इट्स ओके राकेश, राकेश एक बात कहूं, क्यों ना हम गोद भराई की रस्म पूरी कर लें? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना देख लेना कि इस बहाने घर वालों को हमारी इंसल्ट करने का कोई और मौका ना मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवाती हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये किसकी फोटो है? अरे ये तो तुम पहचानती हो इन्हें? अब हवलदार साहब, ये है, इसे कैसे पहचानेगी? लेकिन तुम इस फोटो को जगह जगह लिए क्यों घूम रहे हो हवलदार भैया? अरे इनकी खबर देने वाले को बहुत मोटी रकम इनाम में दी जाएगी। कितनी मोटी रकम? 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख इस फोटो वाले के बारे में बताने में मिलेंगे जी? अगर अगर मैं बताऊँ तो मुझे भी मिलेंगे? क्यों नहीं वाला? अरे ये तो हाँ हवलदार साहब, ये कहना चाहती है कि अगर ये फोटो वाली इसे दिख गई तो आपको जरूर बता देगी। ठीक है, थाने पे आके बता देना। हाँ जी जी, सुना तुमने? 5 लाख? फिर से मिल गया तो
बेटी दवाइयां लिख रहा हूं, अब जल्दी से जाकर ले आइए। जी डॉक्टर। प्लीज हरी अप। जी डॉक्टर। जिंदगी बर्बाद करोगे इस बेजान तस्वीर के पास? ये बेजान तस्वीर नहीं है, ये मेरी मालिनी की तस्वीर है और ये तस्वीर मुझसे बातें करती है। अजय पागलों जैसी बातें मत करो, इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, कौन संभालेगा ये सब? Who's responsible? रिमझिम, रिमझिम से कहो टेक चार्ज, और अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कहना कि मुझे फोन करे। रिमझिम? रिमझिम क्यों? अजय कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिनी की जगह अब रिमझिम ले रही हो? मालिनी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, समझे तुम? अविनाश कहाँ गया? अंकल, अविनाश, अंकल, अविनाश, बेटा, देखो, मैं जा रहा हूँ बेटा। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगला सब मत कहिए प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बचूंगा बेटा। अंकल, तुम मेरे बात मालिनी का ख्याल रखना बेटा। मुझसे वादा करो बेटा कि मेरे बात तुम मालिनी का ख्याल रखोगे। समझ गई प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आप ठीक हो जाएंगे। तुम वादा करो बेटा। अंकल, अविनाश वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं वादा करता हूँ अंकल, 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 अंकल